नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं और दिल्ली में काम करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा किस तरह से बच्चों में प्रेजेंट कर सकता है और इसको हम कैसे बीमारी को पता लगा सकते हैं। आज हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा बहुत कम सीवियरिटी का है, माइल्ड फंगी से बोलते हैं, तो हम इसको फॉलोअप पर रखते हैं। और सीवियर कैटेगरी का है, सीवियर डिजीज फॉर्म में है, तो हम इसको तुरंत ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अगर जो बच्चा पैदा हुआ उसमें सीवियर फॉर्म का अगर है तो बच्चे 24 से 48 घंटे के बाद एकदम से शॉक लाइक स्टेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नीचे पार्ट की नहीं हो पाती है। तो इस केस में हमें इसको इमिडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि जिस नली से वो चैम्बर कनेक्टेड है उस चैम्बर की पंपिंग कैसी है। अगर उसकी पंपिंग बहुत अच्छी है, नॉर्मली हार्ट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसकी पंपिंग बहुत अच्छी है तो इमीडिएटली उसे सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है। सर्जरी करने के लिए हम उसको पीछे बैक साइड से जाके उस एरिया को खोल के उसको काट के आगे पीछे हिस्से को हम जोड़ देते हैं। इसे हम रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस बोलते हैं। जनरली जो बच्चे 6 महीने से कम के होते हैं और प्रेफरेबली 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उसमें अगर इसको ठीक करना हो तो सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सर्जरी सक्सेसफुल ज्यादा रहती है। अगर यही बीमारी 1 साल से बड़े बच्चों में अगर हो, तब सर्जरी ना करके हम इसे एंजियोग्राफी या लेजर टेक्निक से बलून से खोल देते हैं। इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें बच्चे को कैथ लैब लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे एक्सरे मशीन्स होती हैं। उन एक्सरे मशीन्स की हेल्प की वजह के साथ हम इस नली को डिफाइन करते हैं इंजेक्शन डाल डाल के, और वहाँ पे एक वायर लेके जाते हैं पैर के थ्रू। पैर में यहाँ से हम वायर डालते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें वायर लेके जाते हैं हम उस नली के अक्रॉस, वहाँ पे एक बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। उस बलून को इन्फ्लेट करने के बाद जब हम देखते हैं, फिर दोबारा दवाई डालते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से खुला कि नहीं खुला। इसको हम बलून डायलेटेशन ऑफ कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। ये 1 साल से ऊपर के बच्चों में, जब तक वो 25-30 किलो के ना हो, बलून इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर बच्चा 25-30 किलो से बड़ा है तो बलून ना करके और सर्जरी ना करके हम उसमें उस रुकावट के पॉइंट पर हम स्टेंट डाल देते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हमने स्टेंट दिखाया हुआ है, और साथ में वीडियोस में आप देख सकते हैं कि स्टेंट हम इस तरीके से डालते हैं। स्टेंट जो है उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में होते हैं, बहुत लंबा वो काम करता है। बैलून से कभी कभी बार बार उसमें कोआर्टेशन रिपीट हो सकता है, जिसे हम रिकरेंस ऑफ कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। अगर न्यू बॉर्न फेज में, लेस देन 6 मंथ ऑफ एज में अगर हम बलून करते हैं सर्जरी की जगह, तो उसमें रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर कि हम 1 साल की एज के बाद एक बलून करते हैं। तो स्टेंटिंग करने के लिए भी हम उसको पैरों से लेके जाते हैं, नस पैरों की नस को लेते हैं और उसके अक्रॉस एक स्टेंट बिठा देते हैं। रिजल्ट बलून के भी अच्छे हैं, स्टेंट के तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई हम दवाई वगैरह से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दवाई का रोल है इस बीमारी में, लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर जो इन बच्चों का बढ़ जाता है 8-10 साल की एज के बाद से, सिर्फ उसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो इस जन्मजात बीमारी को ठीक कर सके। अब बात करते हैं, इसको हमने ठीक तो कर लिया बलून से, सर्जरी से या स्टेंट से, जो भी उसका एज और वेट है बच्चे का उस हिसाब से, क्या हम इसको दोबारा फॉलोअप पे रखना पड़ेगा या ये परमानेंट क्योर हो जाता है? इसको हमें फॉलोअप पे रखना होता है, क्योंकि कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है। या तो उस एरिया में दोबारा से नैरोइंग हो सकती है, और बच्चे को ज़्यादातर टाइम्स एडोलेसेंट एज में जाके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको लाइफ लॉन्ग फॉलोअप पर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, तो ट्रीटेबल बीमारी है। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फॉलोअप में हम बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम एको करते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर एको फाइंडिंग्स आर गुड एंड बीपी इज इन कंट्रोल, देन वी कैन एडवाइज फॉलोअप कि हम उसको 6 महीने पे बुलाना है कि साल भर पे बुलाना है या जल्दी जल्दी बुलाना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बीमारी के रिजल्ट्स के ऊपर कि हमने उसको जैसे बलून किया, सर्जरी किया, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा।
ज्यादातर टाइम सर्जरी बलून या स्टेंट जो भी हम करते हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसको फॉलोअप पर रखना बहुत जरूरी है बच्चे को। फॉर मोर डिटेल यू कैन लॉग इन टू माई वेबसाइट childrenheartcare.com। थैंक यू वेरी मच।